हेलो, मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, शायद मैंने भी खुल के अपने आप से उस बारे में बात नहीं की होगी। आज से 2-3 महीने पहले था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी आई एम नॉट राइट हेयर, लाइक आई एम सफरिंग थ्रू समथिंग दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। उर्दू में बात जिसको डिप्रेशन कहते हैं, या जिसको कहते हैं कि बस एग्जॉस्टेड, मेंटली एग्जॉस्टेड। मैंने बोला यार, अब ज़रा ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो मैं प्रोफेशनल हेल्प लेता हूँ। तो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि भाई तुम इस तरह कर सकते हो, ये अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ऐसे अच्छे कुछ चीज़ें होती हैं जो महंगी भी होती हैं, ताकि और आपके पास अगर पैसे ना हो तो आप फिर ये भी सोचते हो कि भाई आप करना चाहते भी हैं लेकिन नहीं कर सकते। तो उसने मुझे 2-3 ऑप्शन दिए, जिनमें से 1-2 ऑप्शन बड़े अच्छे थे और फ्री भी थे, लाइक कुछ सेशंस फ्री थे, फिर आप करना चाहो तो। तो आई वेंट फॉर इट, और मैंने तस्कीन जो है ज्वाइन करके 3-4 सेशंस लिए, एंड आई बिकेम ओके। मतलब मुझे बहुत फ़र्क पड़ा उससे, इट वाज रियली गुड। वहाँ के साइकोलॉजिस्ट बड़े अच्छे थे, और थेरेपिस्ट बोलता हूँ मैं तो उनको, साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट आई डोंट नो, बट बड़ा अच्छा था। मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा थेरेपी से। 3 सेशंस लिए थे मैंने मेरे ख्याल में, या 4, आई डोंट रिमेम्बर, बट खैर उसके बाद आई फेल्ट लाइक कि भाई मैं अब ठीक हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है। बट नाउ दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई थिंक दैट आई मे हैव डिलेड द प्रोसेस तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि शायद वो एक होता ना कि आपने जल्द स्प्रे कर दिया किसी चोट पे जल्दी से, तो वो सुन हो गई उस वक्त के लिए, तो आपको लग रहा है कि वो सही हो गई। बट नाउ अभी जो 1-2 महीने गुजर चुके हैं थेरेपी लास्ट लिए हुए, तो मुझे फील हो रहा है कि मे बी मैं हील नहीं हुआ हूँ। लाइक वो जो डिप्रेशन या डिप्रेसिव थॉट्स या फिर वो जो एनजाइटी, वो सारी चीज़ें हैं प्रोमिनेंट अभी दोबारा से ना, और या तो वो मेंटल इलनेस, वो एग्जॉशन जो दिमाग में रहता है, वो अब दोबारा से क्रीप इन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यार मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ कैसे स्टार्ट हुई, क्या स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं वीडियो के तौर पर बता रहा हूँ ना, तो ये बेहतर लगेगा मुझे कि मैं अपने साथ साथ आपको ये बताता रहूँ। आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं कब से, और अगर आप नहीं कर रहे तो मैं इस तरह की वीडियोज़ कभी नहीं बनाता था कि सामने बैठ के बस वीडियो बनाऊँ। मैं हमेशा ही आइडिया रिलेटेड वीडियोज़ होती थी मेरी, जिसमें दास्तान मुस्लिम, वही चोली मोस्ट वांटेड, जिसमें बड़ा फन होता था लेकिन विद अ मैसेज। बट सून वो चीज़ें ट्रांजिशन ऐसे होती रही कि मतलब मैं आइडिया सोचता था, फिर दिल चाहता था फिर नहीं बनाऊँ, मैं इनकन्सिस्टेंट था बेसिकली। लेकिन ऐसा होता था कि फिर भी कभी मेरे पास आइडिया कोई आ जाए तो झट से स्क्रिप्ट लिखी, फटाक स्क्रिप्ट लिखी, अगले दिन शूट करके 1 हफ्ते में वीडियो अपलोड। सही है, क्योंकि शूट करने में थोड़ा टाइम लगता था, मेरे ट्रांजिशन ज़्यादा होते थे। फिर मैं इनकन्सिस्टेंट हो जाता था, क्योंकि उस तरह के व्यूज़ नहीं आते थे जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता था। और कभी कभी आते भी थे तो मैं उससे ज़्यादा वो हो जाता था कि अब यार ये एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है लोगों की, और अब कैसा लगेगा लोगों को यूँ करके, और मुझे अब इससे बेहतर कुछ बनाना पड़ेगा, तो मैं उस चक्कर में वीडियो नहीं बनाता था। खैर ये चलता रहता था, लेकिन मैं ये अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि मसला उस वक्त भी कोई नहीं था ना। मुझे आइडिया आते थे झट, और मैं लिख रहा था फुल, मैं 5-6 स्क्रिप्टें लिख जाता था और यूँ करके। अच्छा, इस दौरान मेरी थीसिस वगैरह आ रही थी, तो मैंने 3 स्क्रिप्ट भी लिखी थी। 2 मैंने ऐसी लिख दी थी, 1 मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, गिरगिट की, जो जिसको माशाल्लाह से कल 1 साल हो गया है, एंड आई एम रियली हैप्पी। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने सोचा था कि बनाऊंगा, लेकिन अब डेट गुजर गई, तो मैं परसों, सॉरी 1 साल हो गया है, तो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, तो आप लोग उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो खैर मैंने क्रिकेट की, उस टाइम जब मैंने क्रिकेट की स्क्रिप्ट लिखी, वो तो पता नहीं मेरे पास कैसे आ गई, आज भी मैं सोचता हूँ तो मैं बोलता हूँ अब तो मुझसे सीधा सीधा डायलॉग नहीं लिखा जाता, तो मैंने इतनी बड़ी स्क्रिप्ट कैसे लिख दी। और मुझे बहुत पसंद आई, मुझे वो स्क्रिप्ट एज एन ऑडियंस भी बहुत पसंद है, लाइक मुझे वो जिस तरह मैंने चीज़ें जोड़ी हुई हैं। अब आप बोलेंगे अपनी तारीफ कर रहा है अपना मियाँ मिट्टू, लेकिन मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ प्रोसेस, और मैं आपको ये बैकग्राउंड डिटेल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में मसला क्या चल रहा है। तो खैर मैंने वो स्क्रिप्ट यूँ करके 6 महीने लगाए, बट मैंने वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह लिखी है, और उस तरह अच्छी तरह शूट भी कर लिया हमने। आप मेरी प्रोफाइल में जाके क्रिकेट देख सकते हैं, बाय द वे इट्स अ वेरी गुड फिल्म माशाल्लाह से। तो मुझे लगता है क्रिकेट वो आखिरी फिल्म थी जिसने मेरी मेंटल एग्जॉशन को ना पीक पर ले गई वो फिल्म। लाइक मैं इतना मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड हो गया था कि मुझे कुछ सोचने का दिल नहीं चाहता था, कुछ करने का दिल नहीं चाहता था, कुछ अपलोड करने का दिल नहीं चाहता था।
लाइक बस मुझे, और वो ऊपर फियर एक जो आ गया था कि क्रिकेट हिट हो गई थी, 11,000 व्यूज आ गए थे उस पर, तो अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप कोई और वीडियो डाल रहे, तो मैं वीडियो डालता था लेकिन वो वाली वीडियोज होती नहीं थी जिस तरह की मैं वीडियोज बनाया करता था। आई यूज़ टू अपलोड ऐसी रैंडम, अपनी जैसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे बात करके वीडियो, अपने आप को दिलासा देने के ना, यू विल गेट बैक, बट हुआ ये कि आई कुडंट गेट बैक। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो डाली अबाउट यू नो यू कैन कॉल इट अ कमबैक, जो उस स्टाइल की वीडियो थी, बट उसके बाद मैं उस तरह की वीडियो डाल ही नहीं पाया दोबारा से, क्योंकि मुझे लगा अब मेरे अंदर वो एनर्जी वापस आ गई है, और अब मैं, और लगा मुझे लिटरली लगा उस तरह की एनर्जी वापस आ गई है ना, आई कुड डू दिस अब। लेकिन मुझे जब वो शूट करते हुए जो अजीब सी एनजाइटी हो रही थी ना, दिस वॉन्ट वर्क, नहीं काम करेगी ये, फलाना, शायद वो चीज़ मेरी वीडियो में कन्वर्ट हुई और नहीं काम की वो वीडियो। लाइक इट्स अ गुड वीडियो आई गेस, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, मैंने 3 मिनट की वीडियो कभी भी नहीं बनाई इतनी छोटी, और उस वीडियो पे कोई 200 व्यूज भी नहीं है शायद। तो मसला ये चल रहा है कि इट टुक टाइम क्रिकेट से मुझे जो ना बाहर आने में, उस मेंटल एग्जॉस्टन से बाहर आने में टाइम, उस फिजिकल एग्जॉस्टन से बाहर आने में टाइम लगा। नाउ आई फील कि मैं फिजिकली तो फिट हो चुका हूँ, लाइक आई एम नॉट फिजिकली एग्जॉस्टेड एनी मोर, बट मेंटल एग्जॉस्टन जा नहीं रही है। कोई भी काम करने का मेरा दिल ही नहीं करता, कोई भी काम बस मैं होता हूँ कि बस किसी तरह निकल जाए, कोई भी कॉन्वर्जेशन किसी से करनी हो यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ बस किसी तरह निकल जाए, किसी से इंटरेक्ट करना होगा तो बस मुझे निकलना। मैं पहली मरतबा अब ऐसा होने लगा है, अब तो ये मामूल बन गया है कि मैं कॉल्स नहीं उठाता। लाइक मुझे एनजाइटी होती है कॉल उठाने में, मतलब यार अभी बात करनी पड़ेगी, एंड आई एम द पर्सन जो घंटों बात करता है, लाइक जो वो आदमी जो आपको थका देगा बात करते हैं, कि कभी कभी बचपन में मैं इतना बोलता था कि लोग बोलते थे भाई चुप हो जा, तू अल्लाह का वास्ता चुप हो जा, बोले जा रहे हैं कब से, मैं वो इंसान हूँ और मैं कॉल्स नहीं उठा रहा कि मुझे नहीं बात करनी किसी। तो भाई मैं आप सबको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग नाउ, आई हैव एक्सेप्टेड इट कि ये मसला है, और मैं बेसिकली देखिए मैं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे अब ये हो रहा है कि मुझे लिखा ही नहीं जा रहा कुछ, और लिखा तो चलो ठीक है, लिख तो आप कुछ भी करके लिख लो, मैंने भी 2-3 स्क्रिप्टें लिख दी, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आई और मैं लिख दी, हालांकि नहीं आ रही आजकल दिमाग में, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उठा के कैमरा उठाऊँ और बस वीडियो बना लूँ जिस तरह पहले किया करता था। पहले तो चलो समझ भी नहीं थी ना लाइटिंग वाइटिंग की कुछ इस तरह, अब तो चलो आपके पास डिग्री है, मेरे पास फिल्म मेकिंग की डिग्री है, तो मुझे पता है कि क्या आप यूज़ कर सकता हूँ, क्या लाइटिंग कर सकता हूँ, तो लाइटिंग तो दूर की बात, तो कैमरा उठाने की बैटरी चार्ज करने की हिम्मत नहीं हो रही, तो नहीं यार क्या ही फ़ायदा छोड़, ये इतना बड़ा मसला है ना कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो की हद तक नहीं है, ये हर चीज़ में। मैं एक्टिंग की वीडियोज़ बनाना था, मैं वो बनाना छोड़ दी, मैंने सिंगिंग की वीडियोज़ बनाना था वो बनाना छोड़ दी, मुझे लगता है मैं सिर्फ डांसिंग की वीडियोज़ है जो अभी कभी कभी बना लेता हूँ, डांसिंग मुझे बड़ा मज़ा आता है, अभी भी मैंने आज जब ये जिस टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ रात को, आई वॉज लर्निंग द स्टेप ऑफ जिंदा बंदा जो शाहरुख खान का गाना है, क्योंकि शाहरुख खान की बर्थडे के लिए मैंने बोला इंस्टा की वीडियो डालूंगा, शायद मैंने डाल दी होगी वो अब तक, इंस्टा पर फॉलो कर लें आपको पता चल जाएगा, मुस्लिम है नहीं, तो आई विल फाइट, कब तक कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि हाउ टू डील विद इट, अगर आपको किसी को पता है, और मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू डील विद इट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थेरेपी एक हद तक कर तो देती है ठीक, लेकिन आई डोंट नो, मुझे वो चीज़ अभी तक नहीं आ रही कि आई वॉन्ट टू डू थिंग्स यू नो, तो वो कैसे आएगी। एंड आई गेस रोज़ मैं ऐसी थॉट्स आपसे शेयर करूँ तो मुझे भी कोई हेल्प मिले, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, एक थॉट है जो मुझे उसने, एक बात है जो ये एस्ट्रोलॉजर है, इसको मैं ऐसे सुनता रहता है जस्ट फॉर फन ना, कि आज चलो देखते हैं क्या हॉरोस्कोप है यूं करके, उसने जो आज ये बात बोली वो यहाँ जाके कन्वर्ट हो के यहाँ जाके लगी कि यार यही तो हो रहा है मेरे साथ। आप पहले सुने कि कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन की वजह से अपने उस ताकत को खो चुके हैं जो वो जानते हैं कि हम दूसरों से बेस्ट हैं। स्टार्ट आप से हो रहा है, कायनात का आगाज इसी से हो रहा है, तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए, आप सबसे पहले इसीलिए लाइन में हो कि
आप लोगों की जितनी भी मसरूफ जिंदगी है उसमें आसानियां परवरदिगार। तो देखा उसने ये बोला जो मेरे दिमाग में कब से पता नहीं शायद अनकॉन्शियसली है, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियसली है, लेकिन अब वो दिमाग में बैठ चुकी है कि आई नो दैट आई एम वर्थ सो मच मोर, मैं सबको चीर फाड़ दूंगा। ये वाले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और बचपन से था, जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन अब आई एम जस्ट नॉट एबल टू डिलीवर, आई एम जस्ट नॉट एबल टू डिलीवर बिकॉज ऑफ मेंटल एग्जॉशन एंड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंग्जाइटी। आई एम लूजिंग माई सेल्फ, आई एम लूजिंग माई वर्थ, आई एम लूजिंग एवरीथिंग, लिटरली आई मीन एवरीथिंग। तो आई जस्ट अभी बात करते हुए मेरे हाथ खुल रहे हैं बिकॉज एंग्जाइटी, कितना कैजुअली मैं ये बोल रहा हूँ, कभी मैंने सोचा भी नहीं था मुझे होगी, लेकिन अब आई एम फीलिंग इट। सो आई एम बैटलिंग इट और मैं लड़ूंगा। आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज बस मुझे यही शेयर करना था कि आई एम गोइंग थ्रू दिस। तो जिनको भी मुझसे शिकायत हो उनको यही शिकायत, उसका जस्टिफिकेशन कह लो तो यही है कि आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू डू व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू एंड व्हाट आई लव टू डू, मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइस एंड फॉर मी, नहीं हो रहा मुझसे, बस यही था।